सो फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त सीनिक किस्म की एक लोकेशन है जहाँ पर मैं आया हूँ। मुझे सलमान अगेन लेकर आए हैं आज, और बहुत अच्छा डेवलपर है जो कि मैंने अभी पूरा ब्रीफिंग ली, ऑलमोस्ट कोई एक डेढ़ घंटे की ब्रीफिंग ली अंदर, और पूरी डिटेल से जाना है। और मेरे ख्याल से इससे अच्छी जो कॉम्प्रीहेंसिव ब्रीफिंग है और जो विजुलाइजेशन है, क्योंकि विजुलाइजेशन से बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं जो अभी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। विजुलाइजेशन जो थी इसकी, वो आउटस्टैंडिंग थी। मैंने इससे पहले इस तरह का डेवलपर नहीं देखा है। और अभी पूछते हैं सलमान से, सलमान क्या हाल है? मे में कोट पहनकर आपने जो है ना पिघला दिया है अंदर। अंदर तो खैर अच्छा था, लेकिन बाहर खड़े होकर जो है ना पिघल रहे हैं। तो कहाँ पर है इस वक्त हम? अभी हम खड़े हुए हैं, वैसे हम डाउनटाउन में, क्योंकि इस डेवलपर का जो हेड ऑफिस है और इसका सेल्स सेंटर है वो डाउनटाउन के अंदर है, एम आर स्क्वायर के अंदर है। और मगर इसके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो दो बहुत अहम लोकेलिटी के ऊपर हैं। दुबई के जो अपकमिंग डेवलपमेंट एरियाज में से, जो हर किसी के अपने अपने ओपिनियन होते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो JVC और JVD ये बड़े ज़बरदस्त अपकमिंग डेवलपमेंट एरियाज में से आ रहे हैं। JVC में काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, मगर जो JVD है ना, उसका लेवल एक लेवल ऊपर है, क्योंकि वहाँ पर एक तो जो सप्लाई है रेजिडेंशियल प्लॉट्स की, वो भी कम है, विला कम्युनिटी ज़्यादा है। तो ये प्रोजेक्ट जो आ रहा है इनका, JVT में आ रहा है नया, मैं इनकी ज़रा कंप्लीट हिस्ट्री बताऊंगा, हम अंदर चलेंगे वरना हम यहीं पिघल जाएंगे। बिल्कुल, चलें अंदर चलते हैं। वैसे बाय द वे, JVC JVT तो नहीं किया, JVC किया हमने, JVC किया कम्युनिटी, राइट? JVC किया, JVT नहीं किया अभी तक, JVT नहीं। और अरजान भी करेंगे हम, लिवान किया है हमने, अब मुझे नहीं पता कब वीडियो आती है, लेकिन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने कम्युनिटी वाइज हम मल्टीपल वीडियोज़ बना रहे हैं कि हर इंडिविजुअल कम्युनिटी की एक डिटेल के अंदर जो जो हमें समझ में आता है, जो जो प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं उसकी कम्युनिटी व्यू भी आपको मिल जाएगा। हम लोग गाड़ी में बैठ के कर रहे होते हैं तो वो भी जाके देख सकते हैं। मैंने कार्ड जितना अभी तक किया है वो हमने लगा दिया, अंदर चल के देखते हैं। चलो यार, ये तो ऑफिस के अंदर अब माहौल अच्छा हो गया, बहुत बहुत बेहतर हो गया, पिघलने वाले थे। हाँ, आ जाइए। ये यूक्रेन बेस्ड स्पेनिश लोग हैं जो कि अब दुबई के अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं। इन्होंने स्पेन में बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट करी है। तकरीबन दुबई के अगर मैं कंपैरिजन दूँ तो 90 मिलियन दरहम के जो विलाज हैं, इस वैल्यू के विलाज अभी ये हैंडओवर कर रहे हैं स्पेन के अंदर। अच्छा, तो बड़े अल्ट्रा लग्जरी किस्म की इनकी डेवलपमेंट है और हैंडओवर कर रहे हैं, वो बना नहीं रहे। यूक्रेन के अंदर इन्होंने तकरीबन 50+ बिल्डिंग्स जो है वो हैंडओवर कर चुके हैं। तो ये लोग हैं, ये लोग यहाँ पर दुबई के अंदर आए। दुबई के अंदर आके पहला इन्होंने जो टावर लॉन्च किया वो किया रेन के नाम से, ठीक है? वो JVC की लोकेशन में थी, मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, ये 360 ग्रुप बेसिकली इसका इनिशियल है, TSZ, और यहाँ पर ये लोग ऑब्जेक्ट वन के नाम से हैं, ठीक है? और इनका जो मोटिव है, ये डेवलपमेंट भी करते हैं, कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, ये फाइनेंस भी करते हैं, कैपिटल भी अरेंज करते हैं, ये सारी चीज़ें इन हाउस खुद करते हैं। सही। इनका सारा यूक्रेन के अंदर सेटअप था, जो हेड ऑफिस था, लेकिन आफ्टर द जो वॉर हुई है रशिया के साथ, तो इन्होंने अपना सारा सेटअप दुबई शिफ्ट कर दिया, यहीं पर इसी के पीछे इनका पूरा हेड ऑफिस MR स्क्वायर के अंदर, सॉरी, और यहाँ पर इनकी अब सारी प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, सारी चीज़ें इनकी यहीं पर ही डिपार्टमेंट्स आ गए, ठीक है? अगर मैं JVC की बात करूँ तो टोटल 5 प्रोजेक्ट इन्होंने JVC में लॉन्च कर चुके हैं। इन्होंने पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया था वो रेन के नाम से किया था, जो कि इस साल दिसंबर में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी और जनवरी के अंदर से ये लोग अपना हैंडओवर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? फिर विदर आया था, वही डिस्ट्रिक्ट 12 के अंदर ये दो प्रोजेक्ट थे, फिर ओजोन वन, वन वुड और दी फिफ्थ। तो ये सारी जगह पर अभी हमें थोड़ी थोड़ी इन्वेंट्री मिल जाएगी, लेकिन ये सारे जो इन्होंने सेल किए वो सारे JVC में ना, ये सारे JVC के अंदर, ठीक है? और किसी को JVC का समझना हो तो ये पूरा एरिया JVC का है, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। अब आप ये देखें कि ये इन्होंने जो हम विजुलाइजेशन की बात कर रहे थे कि इन्होंने प्रेजेंटेशन बना के रखी हुई है, तो अगर मैं बात करूँ कि मेरे इस कम्युनिटी के अंदर स्कूल्स कितने हैं या नियर बाय स्कूल्स कितने हैं, तो इन्होंने सब मेंशन करके रखा हुआ है कि आपके अगर आप वन वुड में ख़रीदते हैं तो वन वुड से कितनी दूर आपको स्कूल सिस्टम मिल जाएंगे, ठीक है? सनमार्क एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त JVT के अंदर है, बहुत बड़ा और मशहूर स्कूल है। इसी तरीके से अगर मैं मॉल्स की बात करूँ तो मॉल्स आपको बता देगा कि अलखेल एवेन्यू मॉल जो कि अभी आने वाला है, बनने वाला है, ठीक है? और थोड़ा सा पीछे जाऊँ तो ये आपके पास JVC का सर्कल मॉल आ गया, ठीक है? मैं अगर पार्क्स की डिटेलिंग देखना चाहूँगे इस कम्युनिटी के अंदर पार्क्स कितने हैं, तो आपको 30+ पार्क्स मिलेंगे छोटे बड़े मिला के। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ कि अगर हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स जो भी चीज़ें हैं वो आपको सारे इसके अंदर मेंशन हो जाते हैं कि अगर मैं भाई अगर वितर के अंदर आप ले रहे हैं तो आपको क्या क्या नियर बाय पड़ सकता है। कैफेज एंड रेस्टोरेंट, इसी तरीके से फिटनेस,
आपको सारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो मिल जाएंगी। सुपर मार्केट से एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि मैं अपने घर से सुपर मार्केट कितनी दूर होगा, तो आपको देख सकते हैं कि आपको नेस्टो, स्पिनीज, ये सारे बड़े बड़े विवा, ये सारे बड़े बड़े अच्छा, इसमें भी नज़र आ रहा है कि हमारा जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये इसके ऑब्जेक्ट बन के ये सारे बाउंड्री के ऊपर है, सारे बाउंड्री के अंदर है बिल्कुल। ये इसकी मैंने आपको बताना बिल्कुल इसमें मैंने बताना है कि इसके जितने भी JVC के प्रोजेक्ट है ना ये सारे आउटर सर्फेस में, जिसकी वजह से इनकी लोकेशन बहुत प्रीमियम हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि JVC एज ऑफ नाउ थोड़ा सा क्राउडेड होता जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपको ये आपको बाहर वाली पट्टी पे आपको ये प्रोजेक्ट मिलता है तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है एंट्री और एग्जिट। यार वो उन्होंने सही नाम रखा है, इसका नाम जो है ना सबर पार्क रखा है, मिडिल में है ना तो वहां तक पहुंचने के लिए सबर कट। इसी तरीके से मॉस्क, हम एज आपको पता है कि जब बंदा देख रहा होता है तो उसको मॉस्क का भी एक आइडिया हो जाता है। होटल्स, आपको पता है 5 JVC और द फर्स्ट कलेक्शन एट JVC ये बने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस कम्युनिटीज के ऊपर, ठीक है। तो ये है इनका JVC और ये आ गया इनका JVT। देख लिया भाई, यार मसला ये है कि हम कोई 3 घंटे से स्टेशन पर है, कोई मीटिंग रूम से इधर से उधर, मतलब रश भी है ना, क्या बोले, खैर एनीवेज JVC के अंदर, और एक टावर रिसेंटली पूरा टावर एक ही बंदे ने उठा लिया। तो हाँ जी, तो ये आपका जो है टावर अभी सोल्ड आउट हो चुका है। एक और जो प्रोजेक्ट है वो है लुमिनार के नाम से। ये 3 इंटरसेक्टेड बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, इंटरकनेक्टेड बिल्डिंग है सॉरी, और टावर 1, टावर 2, टावर 3 है। टावर 1 जो है वो ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, टावर 2 अभी लॉन्च होने वाला है तो उसकी EOIs कलेक्ट कर रहे हैं ये लोग, और टावर 3 अभी डिस्क्लोज नहीं है। तो अगेन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्या मेरे पास फैसिलिटीज हैं, चबी चीक से बहुत बड़ा नाम है नर्सरीज के अंदर, वो आपके पास अवेलेबल है, आपके पास स्कूल्स। अच्छा, JVT की जो मैं कैटेगराइजेशन करता हूँ, मैं JVC से ऊपर रखता हूँ उसको हमेशा। अच्छा, क्योंकि ये थोड़ा लेस पॉपुलेटेड है, ठीक है, और इधर जो कम्युनिटी है ना वो विलास की थोड़ी ज़्यादा है और प्रीमियम है, तो यहाँ पर जो लोग हैं या जिस तरीके की कैटेगरी है वो यहाँ पर बनिस्बत JVC से ऊपर। अच्छा, लुमिनार का एक और USP जो उन्होंने हमें बताया था कि वो, अगर तुम्हें याद हो, कि जो सामने मरीना नजर आ रहा है हमको, बिल्कुल, इसका जो अनइंटरप्टेड व्यू है, अनइंटरप्टेड व्यूज है ये सामने, यहाँ से आपका एमिरेट्स हिल शुरू हो रहा है, फिर ये जुमेरा आइलैंड्स के विलाज है, फिर आपके पास JLT जो अपटाउन का एरिया है, फिर JLT के टावर्स और पीछे पूरी मरीना की स्काईलाइन। तो आपके पास यहाँ से स्ट्रेट व्यू पड़ते हैं दुबई स्काईलाइन के। आपको याद होगा हमने एक लास्ट प्रोजेक्ट किया था JVT के अंदर ही, उसके अंदर भी उसकी लोकेशन लगभग इधर कहीं थी, right. तो उसके ऊपर भी हमारे पास डायरेक्ट स्काईलाइन का व्यू था, ठीक है। तो क्योंकि ये सारा एरिया जितना भी बना हुआ है ये सारा लोराइज बना हुआ है, तो जो भी प्लॉट या जो भी बिल्डिंग इस आउटर सरफेस पे आ रही है उसको बड़े अच्छे व्यूज मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके स्कूल्स आ गए, मॉल्स आ गए, आपको पता लग गया एवेन्यू मॉल आपके पास है, सिटी सेंटर मेजम सामने ही बना हुआ है, पार्क्स अगेन JVT के अंदर जो है वो काफी सारे पार्क हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग बने हुए हैं। हेल्थ फैसिलिटी की मैं अगर बात करूं तो आपके पास यहां पर और सामने दोनों जगह पर, और मतलब विद इन मैक्सिमम 10 मिनट्स की ड्राइव पे आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, रेस्टोरेंट, कैफेज, फिटनेस, सुपर मार्केट्स, JVT के अंदर खुद भी काफ़ी सारी बनी हुई है, और इसके अंदर मॉस्क भी आपको अवेलेबल है JVT के एरिया के अंदर, होटल्स भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। और ये जो अगर मैं आउटर सरफेस देख रहे ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होती है, right. और यही इसके प्लॉट है, बाकी आपको जितना भी अंदर का जो एरिया दिख रहा है ना यहाँ पे सारे विलाज ही हैं, right. यहाँ पर ज़्यादातर विलाज हैं। आपको JVT को हमने भी एज अ कम्युनिटी वो नहीं किया, वो करना है आपने, ठीक है। अब आ जाए, मैं आपको ज़रा लेके चलूँ इसका जो नया लॉन्च है लुमिनार के ऊपर, राइट, ठीक है। अच्छा, इसकी विजुलाइजेशन बाकी बहुत बड़ा है, इतना इजी है, देख रहे हैं आपको कि प्रेजेंट, हम अक्सर जो ये सारे डिस्कशन बगैर उसके कर रहे होते थे सिर्फ बातों में, इन्होंने ये चीज़ बड़ी फैसिलिटेट की हुई है कि आप अपनी प्रेजेंटेशंस को वीडियो के थ्रू भी, अगर कोई क्लाइंट के थ्रू भी आता है तो हम यहाँ पर आराम से बैठ कर उसको पूरा प्रोजेक्ट समझा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लुमिनार की, तो ये इसकी एक्सटीरियर्स हैं बिल्डिंग के, टावर 1, टावर 2, टावर 3, सबसे बड़ी USP कॉर्नर प्लॉट है, ठीक है, ठीक है, तीनों टावर का पीछे आपको यहाँ पर अभी इन्होंने सही से विजुलाइजेशन नहीं है, लेकिन जो स्काईलाइन टावर नजर आ रहा है वो आपको स्काईलाइन सारी नजर आएगी। अच्छा, बड़ी फैमिली फ्रेंडली कम्युनिटी, बताने की मुझे जरूरत नहीं है कि JVT, आप इसको अपनी ये कंटेंट आप अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए रखें कि JVT क्या है।
तो जेबीटी में आपको बस लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बताऊं कि ये एक बड़ा अच्छा फैमिली फ्रेंडली एरिया है. स्कूल कॉलेजेस तो नहीं, स्कूल्स, एजुकेशन के हवाले से या हेल्थ के हवाले से आपको यहाँ पर सारी फैसिलिटी मिल जाती है. और बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी है, तो लोकेशन वाइज ये बहुत ज़बरदस्त है. अलखेर मोहम्मद बिन जायद के इंटरसेक्शन पे आपको मिल जाता है और यहाँ पर लेमिनार टावर आ रहा है. ठीक, फैमिली फ्रेंडली एरिया में जेबीटी मैं अपनी तरफ से तो बड़ा ज़बरदस्त रिकमेंड करता हूँ कि जेबीटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट एरियाज इन द अपकमिंग टू लाइक 3-4 ईयर्स. ठीक है, अट्रैक्शन की बात करें तो दुबई मिरेकल गार्डन बराबर में अरजान के अंदर बना हुआ है, 9 मिनट्स की ड्राइव पर. मोशन गेट थीम पार्क विद इन 25 मिनट्स आपको सारी अट्रैक्शन मिल जाएंगी जो टूरिस्ट के लिए होती हैं. तो ये भी एक फैक्टर है, अगर आप शॉर्ट टर्म रेंटल्स की तरफ जा रहे हैं तो ये लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि यार हमारे जगह से अट्रैक्शन ज़्यादा दूर ना हो. गोल्फ क्लब ऑब्वियसली सामने ही बना हुआ है आपके पास, जुमैला गोल्फ स्टेट भी है और दूसरे भी हैं. किड्स की तरफ मैं बात करूं तो सनमार्क मैंने आपको बताया था कि एक वन ऑफ दी बिगेस्ट स्कूल है और वो 2 मिनट की दूरी पे अगर आप जेबीटी में किसी भी उसके सराउंडिंग में रहते हैं तो आपको मिल जाता है. अर्काडिया है, जेएसएस है, जेंट्स अगेन एक बड़ा नाम है, ये भी आपको मतलब 20 मिनट के अंदर आपको सारे स्कूल मिल जाएंगे. मॉल्स में आप कुछ मॉल्स में यार मैं कह रहा था कि जीवीटी में हम हैं, सर्कल मॉल यहाँ से 15 मिनट नजर आ रहे हैं और मॉल ऑफ एमिरेट्स 15 मिनट. मॉल ऑफ एमिरेट्स दोनों जो डिस्टेंस हालांकि डिफरेंट होगा. मॉल ऑफ द एमिरेट्स यस एग्जैक्टली, मॉल ऑफ द एमिरेट्स आपको इस कोने पे मिलेगा 900 कैंप पे और आपको जीवीसी का जो सर्कल मॉल है वो इधर मिलेगा. लेकिन ये जो आपकी कनेक्टिविटी है आपकी अलखेल रोड से वो आपको बड़ा ईजी पहुँचा देगी. ठीक है, फिर होटल्स की बात करें तो मोमिन पे 5 जुमेरा ये सारे भी करीब है. तो ये डिस्ट्रिक्ट 2 जुमेरा विलेज ट्रायंगल के अंदर ये बिल्डिंग है. इसकी कॉन्फ़िगरेशन बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 4 पोडियम और 20 रेजिडेंशियल फ्लोर्स की है और फिर ऊपर रूफ है. ठीक है, तो तकरीबन लगभग 25 फ्लोर के आसपास आपकी बिल्डिंग है. कंप्लीशन इसकी Q3 2026 है एंटिसिपेटेड. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेबीसी में इस टाइम पे एवरेज जो सर्विस चार्जेस हैं वो 14 दिरहम से लेके 18 दिरहम के बीच में है. ठीक है, इस डेवलपर की खासियत ये है, चाहे वो जेबीसी हो चाहे वो जेबीटी, और जेबीटी जो है वो 15 से लेके 19 के बीच में, तो ये जेबीटी या जेबीसी दोनों के सर्विस चार्जेस आपके 15,000 पर स्क्वायर फीट है फ्लैट. तो लोअर साइड पे फ्लैट कर दिया तो ये अगेन अच्छा, ये सारी बिल्डिंग का एक जैसा. जो स्काईलाइन व्यूज की हम बात कर रहे थे तो आप देख रहे हैं ये एक्चुअल पिक्चर नजर आ रहा है, ये एक्चुअल पिक्चर है. तो ये आपकी स्काईलाइन व्यू है मरीना की. मुझे लग रहा है इन्होंने ड्रोन से लिया होगा, ड्रोन से लिया होगा. अपनी एक एलिवेशन जो फसाद है आप देखें कितनी जबरदस्त इनकी जो बिल्डिंग है वो आने वाली. एमिनिटीज की बात करें तो जो बेसिक अब तो हम अच्छा इतनी ज्यादा एमिनिटीज लोगों ने देना शुरू कर दी है कि हमें बेसिक सी लगती है. हालांकि इनकी भी एक अपनी वर्थ होती है, हर जगह पे आप स्विमिंग पूल हो या वो किड्स पूल हो या वो आउटडोर प्ले एरिया जिम, ये सारी चीजें बड़ी वैल्यू फॉर मनी रखती हैं. ठीक है, ये सारी तो उसकी सोशलाइजिंग एरिया, ये सारे विजुअल आप आगे करते जाएं, किड्स प्ले एरिया, योगा डेक, बारबेक्यू सिटिंग एरिया पर जिम है. अच्छा, इसके अंदर ये मैंने जो देखे मुझे ये थोड़ा सा गेमिंग रूम इन्होंने ज़्यादा एडिशनली दिया हुआ है जो कि आप अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से बुक करा सकते हैं. किड्स प्ले एरिया, स्मार्ट होम सिस्टम. ये हम बात कर रहे थे वली भाई कि स्मार्ट लॉक जो इन्होंने दिया हुआ है, ये टेडी एक कंपनी है पॉलिश और उसका ये सारा इन्होंने अभी जब मैं आपको शो अपार्टमेंट दिखाऊंगा ना तो बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है. तो 4 इसके तरीकेकार हैं, आप जिससे अपने होम ऑटो को जो है ना स्मार्ट लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं. और जितने भी होम ऑटोमेशन है ना, आपकी लाइटिंग कंट्रोल हो गई, एसी कंट्रोल हो गया, वो सारा लीग्रैंड की है. लीग्रैंड इटसेल्फ एक बड़ा नाम है. बिल्कुल, तो स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी है. तो वी डोंट बाकी ये डाइकिन का एयर प्योरीफायर, जब हम शॉर्ट टर्म रेंटल्स की बात करें तो ये चीज़ें बड़ी वैल्यू एड करती हैं. तो डाइकिन का एयर प्योरीफायर जो है वो आपको मिलेगा साथ में. अच्छा, इसमें मैं बताऊँ, जब हम वो कर रहे थे ना फखरुद्दीन ग्रुप की, हमने एक वीडियो की थी, उसके अंदर भी काफ़ी एनवायरमेंटली फ्रेंडली किस्म की बिल्डिंग थी, उसमें भी इस तरह. लेकिन ऑफकोर्स उनका भी अच्छा था, वो जो प्रेजेंटेशन थी ना उनकी भी अच्छी थी. वो मैंने वीडियो का लिंक मैं उस पर लगा दूंगा, वो जाके देख सकते हैं. लेकिन इनकी तो मैं कहता हूँ इनकी जो विजुअलाइजेशन है, इनकी विजुअलाइजेशन प्रेजेंटेशन है और जो आपको समझ में आ रहा है. और सिर्फ यही नहीं, ये अगर मैं बात करूँ ब्रोकर फ्रेंडली भी बड़ा है. अच्छा, अगर आपको कोई चीज़ रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग दी कन्वर्सेशन, आपको क्लाइंट को कोई चीज़ें वगैरह भेजना, तो बड़ी ईजी उन्होंने सिस्टम बना के दिया. ह्यूमन इंटरेक्शन कम करना है, जो दिल चाहे आप जो धक 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 किया जाके आप, और लाइव इन्होंने सारी चीज़ें रखी है, चाहे वो इन्वेंट्री हो, चाहे वो व्यूज हो, चाहे वो अवेलेबिलिटी हो, सब लाइव नजर आ रहा है. तो ये इन्होंने एक्सेस दिया हुआ है जबरदस्त किस्म का. रिटेल स्पेसेस आपके पास ग्राउंड फ्लोर पे,
जो कि मिलती नहीं है, लोगों की बड़ी डिमांड आती है। वैसे मैं आपको बताऊँ कि रिटेल स्पेस मिल जाए तो ये रिटेल के लिए आपको बहुत टाइम से पहले अप्रोच करना पड़ता है, क्योंकि रिटेल स्पेस कमर्शलाइजेशन जो है ना JVC की या JVT की, वो बड़ी लिमिटेड है। वहाँ पर आपके पास जो जो भी है वो जो सोप सुपर मार्केट्स हैं या उधर जाके मिले, तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग के नीचे जो बहुत छोटी छोटी दो चार शॉप्स होती है ना, तो बड़ी डिमांड में रहती हैं। तो ये आपके पास फ्लोर प्लेट आ गई, ये सारा आपके पास पोडियम लेवल पे जो एमिनिटीज है वो सारी यहाँ पर है, वो मैं जब शेयर करूँगा तो आपको सब नजर आ जाएगा। वो मुझे ये कह रहा था कि यार सबसे बड़ा बेनिफिट किसी को समझ नहीं आता वो ये कि यहाँ पर जो जो भी आपकी करेंसी पैक है वो डॉलर से पैक्ड है। Correct. जो उसमें भी लिखा हुआ मैंने देखा। हाँ, वो इसलिए लिखा बेचारे, ये तो रशियन बेचारे तो खैर नहीं, यूक्रेनियन रशियन जो भी है बड़े वेल सेटल्ड, तो ये बेचारे तो खैर नहीं हुए, लेकिन उन्होंने भी लिखा ये ना कि आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो पैक्ड होती है डॉलर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो दुबई का यूएसपी आता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि रिमोट रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफिशियली पेमेंट इन क्रिप्टो करेंसी एज वेल। ठीक है, लोगों को बड़ा होता है कि यार हम बाहर हैं, क्या हम ले सकते हैं, क्या हमें आना पड़ेगा, क्या हमें देखना पड़ेगा। तो ये दुबई का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप दुनिया में किसी भी कोने में बैठे हो, क्योंकि यहाँ पर हेर फेर करने की तो गुंजाइश है ही नहीं बिल्कुल। तो जो भी चीज़ अच्छे डेवलपर के साथ आप वो आपको कम्युनिकेट कर रहा है वो डेफिनेटली आपको उसी हिसाब से मिलनी है। तो आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो आप इजिली इसको ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, गोल्डन वीजा ऑफ कोर्स आपकी 2 लाख 2 मिलियन दो मिलियन से ऊपर आप इन्वेस्ट करेंगे तो यू विल बी गेट एंटाइटल्ड टू गेट द। ये तो उन्होंने काफी मेरे लिए कंटेंट बना के दिया। तो बोलिए भाई, जैसे कि हमने देखा जो मैंने आपको कम्युनिटीज दिखाई दो मेजर कम्युनिटीज में, JVC JVT इनके जो भी प्रोजेक्ट हैं। अच्छा, JVC की आप इसी खास जो हमने डिस्कशन की थी कि सारी इसके आउटर सरफेस पे है, ताकि आपके पास एग्जिट और एंट्री वो बड़ी इजी हो जाए। ठीक है, ये मोहम्मद बिन जायद रोड जा रहा है, वो अलखेल रोड जा रहा है। ठीक है, इसी के बीच में यहाँ पर आपको पता है कि जो मेट्रो प्लान है, येलो लाइन हमने डिस्कस करी थी, वो भी आनी है। तो ये इनका वो पहला प्रोजेक्ट ट्रेन 1 और 2 प्रोजेक्ट JVT के अंदर। मैंने आपको बताया कि इनका जो ये विनर प्रोजेक्ट है ये अभी रिसेंटली पूरी बिल्डिंग एक बंदे ने खरीद ली। ओके, तो ये लोकेशन एक तो सबसे बड़ी नेशनैलिटी हम नहीं बताते। अभी जो हम जिस टावर की बात करें वो है लुमिनार। ठीक है, ये 3 इंटरकनेक्टेड बिल्डिंग्स हैं, टावर 1 टावर 2 टावर 3। टावर 1 ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, टावर 2 के अंदर हमारे पास कुछ इन्वेंट्री है जो कि अभी हम EOIs कलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए, और टावर 3 अभी हमने नहीं निकाला इन लोगों ने, मैंने नहीं, इन लोगों ने अभी तक नहीं लॉन्च किया, तो वो सून इसके अंदर लॉन्चिंग हो जाएगी। आज आप शो अपार्टमेंट दिखा दूँ पहले मैं आपको। तो वली भाई, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि टेडी इसकी जो एक पॉलिश ब्रांड है जिसने सारा स्मार्ट लॉक सिस्टम दिया हुआ है, तो ये किस तरीके की एप्लीकेशन होगी, और इस एप्लीकेशन में अभी आपके पास शो हो रहा है लॉक है। ठीक है, इसको मैं लॉक करूँगा, ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, ये लॉक हो गया। ठीक है, और अब ये मैं एंटर नहीं हो सकता। एंड देन यू हैव कि आप इसको आराम से यहाँ से अनलॉक करें, इंटरनेट से चलेगी, ये कहीं भी दुनिया में आप कहीं भी हो, ये आपका इजीली अनलॉक हो जाएगा इंटरनेट के थ्रू, और ये आपका खुल गया। Airbnb का कॉन्सेप्ट जो है लॉन्ग टर्म। एग्जैक्टली, जैसे ही आप स्टार्ट होते हैं, देखें ये पूरा पीछे इसका सिस्टम लगा हुआ है। ओके, अब यहाँ से जब अंदर से होंगे तो अंदर से होंगे तो आप अंदर से खोल लें, अंदर से बंद कर लें मैनुअली। इसको आप कोड के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, इसको आप कार्ड जो होता है एक्सेस कार्ड आप उसके थ्रू कर सकते हैं, या की के थ्रू कर सकते हैं, और आप ऑनलाइन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात जो हम डिस्कस कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड भी, कि जो साइजेज हैं इस अपार्टमेंट के वो बड़े ज़बरदस्त हैं। एंटर होते ही आपके पास जो गेस्ट वॉशरूम है, गेस्ट वॉशरूम के अंदर आप स्पेस यूटिलाइजेशन देखें, अगेन आपके पास यहाँ पे वॉशिंग मशीन की यूजली आपने देखा है कि वॉशिंग मशीन जो है वो किचन के कैबिनेट्स में नीचे होती है, और आपके पास अच्छी स्टोरेज लॉन्ड्री के लिए आपके पाउडर रूम के अंदर ही है। अच्छा, इसके अंदर जितनी भी आपको ये एसेसरीज नज़र आ रही हैं ये सारी इटालियन ब्रांड की हैं, और ये जो मार्बल है ये भी इटालियन मार्बल है
बड़ा ज़बरदस्त क्वालिटी। याद होगा वली भाई, हमने इससे पहले जो इस क्वालिटी का, इस लेवल का हमने एक अपार्टमेंट देखा था, वो हमने एक अरजान के एरिया के अंदर देखा, तो ये उसके बाद हमें ये जो है वो एक कुछ नहीं यार। और इसकी जो अच्छी बात ये है कि जो प्राइस इसके अंदर है वो बहुत जबरदस्त है, वो बड़ी जबरदस्त। इसकी प्राइस मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि हमने सिटी डेवलपर का किया था, सिटी डेवलपर का था उसके अंदर, मैंने महमूद के साथ किया था, तो उसके अंदर जो था वो भी यही था कि नया डेवलपर था वो, और वो प्राइसिंग बड़ी अच्छी। प्राइस के बारे में बात करते हैं, प्राइस के बारे में बात करते हैं, मैं इसकी छोटी छोटी डिटेलिंग बता दूं यार, बहुत जबरदस्त डिटेल है मुझे, हां एक्सप्लेन करो। हैंडल्स हैं इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब इंपोर्टेड आइटम है, कोई भी नहीं है। बटरजॉन जो है इटालियन ब्रांड की आपको सारी इक्विपमेंट्स मिलेंगी, चाहे वो ओवन हो, माइक्रोवेव हो, आपका ये स्टोव हो, डिश वॉशर हो, फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर हो, सारी चीज़ें आपको बर्टॉन की, बटरजॉन की मिलेंगी, ठीक है। ओके अच्छा, अब एक और चीज़ जो हमने डिटेल्स में चेक करी थी, तो आप देखें जो स्टोरेज यूटिलाइजेशन है वो दी हुई है स्पेशली कि आपको, और बड़ा इजी है, आप जितने मजे से आप इसको चाहें इसको रोटेट कर सकते हैं, ये वापस जाके सेट हो जाएगा, खुद ही वापस अपने उस पर सेट हो जाएगा। आप ये जितनी भी आपकी ड्रॉज हैं कितने भी बंद कर लें, आराम से सॉफ्ट टच के साथ बंद होंगी। इसी तरीके से आपके पास ऐसी स्टोरेज, आप कुछ भी कर लें, ये खुद सुकून से सॉफ्ट टच। अब ये अगर मैं इसकी बात करूँ तो अगेन ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बड़ी, और ये सारा कुछ फर्निश्ड है राइट, ये सारा कुछ फर्निश है जिस प्रोजेक्ट की हम बात करें, जिस प्रोजेक्ट की, हाँ ये जो हम ल्यूमिनार की बात करें इसमें मैं फर्निश आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, और जो इससे पहले हमने जो इसके बाकी प्रोजेक्ट देखे जेवीसी में स्पेशली, वो सारे सेमी फर्निश हैं राइट, ठीक है। अच्छा, फर्निश में लोग बड़ा सवाल करते हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए लगाया हुआ है शीशा, या ये जो आपके वॉल पैनल्स हैं या टीवी कैबिनेट्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको एज इट इज मिलेंगी, सिर्फ एक चीज़ नहीं मिलेगी वो है इसका शैंडलियर, बस बाकी आपको जैसा एज इट इज दिख रहा है ये लाइट्स, ये सारी चीज़ें आपको एग्जैक्टली सेम मिलेंगी, ठीक है, ठीक है। फिर आपके पास ये वही बार टॉप, लिविंग डाइनिंग का एरिया आ गया आपके पास, ये बड़ा थॉटफुल है कि ये इन्होंने इतना स्पेस दिया है यहाँ पर नीचे, क्योंकि नॉर्मली वो खत्म हो जाएगा ना, तो फिर कुर्सी आपकी ऐसी, हाँ, तो चेयर के नीचे जो है ना, चेयर आपकी आराम से इसके अंदर फिट हो सकती है, राइट, ठीक है। फिर आपके पास अच्छा बालकनी भी है इसके अंदर, बालकनी भी है इसके अंदर, और बालकनी क्योंकि अभी हम इमार स्क्वायर के अंदर खड़े हैं तो ज़ाहिर है हमारे पास लिमिटेड स्पेस होती है, तो बालकनी से थोड़ी सी बड़ी होगी, ये थोड़ी छोटी है। हमने डिस्कस किया था कि डाइकिन का एयर प्योरीफायर इसके अंदर, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें वैल्यू एड कराने के लिए कि आप, क्योंकि आप स्पेशली जब आप शॉर्ट टर्म की बात कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, बिल्कुल आप ये एक टिक कर सकते हैं ना, उसके एक टिक कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी क्वालिटी इसी तरीके से बढ़ाएंगे जब आप छोटी छोटी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें लिविंग डाइनिंग के, अच्छा हाइट इसकी 3.2 मीटर है, राइट, ये नॉर्मल जो होती है वो 2.9 मीटर के आसपास होती है, ठीक है, ये 3.2 मीटर है, तो हाइट भी आपकी काफ़ी अच्छी है। ओके, और सबसे स्पेशल जो है वो है इसका बेडरूम, ओके, जो मुझे तो बहुत पसंद आया था, आपको पता नहीं, नहीं ये स्पेस मुझे सबसे अच्छी लगी, ये स्पेस मुझे सबसे अच्छी लगी जो कि वार्डरोब के दरमियान अच्छी खासी बहुत अच्छा स्पेस दिया हुआ है। देखिए हमने शुरू में बताया कि कितना बड़ा है, कितना स्क्वायर फीट है, नहीं अच्छा बाद में बताया, साइज नहीं बताया, अभी हम वो डिस्कस करेंगे साइज के ऊपर। तो आपके पास जो है वो अगेन अच्छी स्पेस है, यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं यहाँ पर, आपके पास ड्रॉर्स हैं। अब जो हम स्पेस की बात कर रहे थे कि अगर हम दोनों आमने सामने खोल भी देते हैं तो आपके पास अच्छी खासी जगह है कि आप यहाँ से निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके साथ आपका वॉशरूम है, और वॉशरूम में डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि ये वही फुल जो लाइटिंग सिस्टम है और ये सारे एसेसरीज हैं, ये सारी इटालियन है। और मैंने जो अरजान वाले प्रोजेक्ट के बाद दूसरा प्रोजेक्ट देखा, आप देख सकते हैं इसकी वही चीज़ें जो हम डिस्कस कर रहे थे उस प्रोजेक्ट में, साउंड प्रूफिंग, डस्ट प्रूफिंग, सेकेंड इंजीनियर्ड हिंजेस, राइट, ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने, आप देखें कि जो एसी के जो विंड्स हैं कितने खुले और चौड़े हैं, आप इजीली उनको वॉश साफ कर, जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स में होते हैं ये इस तरह के नहीं होते, इस तरह के नहीं होते, वो विंग्स वाले होते हैं, पतले 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 से, तो ये आपको बड़े एक अच्छी स्मार्ट फिनिशिंग के साथ इन्होंने सारा काम किया है। सही है, ज़बरदस्त यार, मतलब अपार्टमेंट की फिनिशिंग और अपार्टमेंट की जो क्वालिटी है, खासतौर पर वो लेग्रांड के इन्होंने स्विचेस लगाए हैं, बिल्कुल इस कंपनी से भी थोड़ा सा मेरा वो है एक्सपीरियंस रहा है, तो अच्छी अच्छी कंपनी है,
इसके बाकी जितने भी एसेसरीज हैं, खासतौर पे डोर हिंजेस, ये छोटी छोटी माइनर चीज़ें होती हैं जिससे आपको क्वालिटी का आइडिया होता है, आइडिया हो जाता है कि इसमें जब जब इस तरह की छोटी चीज़ों में वो पैसे लगा रहे हैं तो इसका मतलब है बाकी। और वो हमेशा हमने हमेशा बोला है कि वो जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट होते हैं वो उनके बिल्कुल, जब वो स्टार्टअप ले रहे होते हैं इस टाइप के डेवलपर, तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने आप को मार्केट के अंदर मनवाना। तो वो जाहिर सी बात है स्टार्टिंग पॉइंट पे अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो उसको यूटिलाइज कर रहे थे अपनी क्वालिटी के ऊपर, ताकि वो मैक्सिमाइज कर सकें, अपनी पेनिट्रेशन कर सकें मार्केट में पहले। हाँ। और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है जब एक दफ़ा आप एमआर के लेवल पे पहुंच जाएंगे तो फिर जो प्राइस सेट करते हैं आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो इसकी जरा प्राइसिंग और पेमेंट प्लान चले। अच्छा, अगर मैं पेमेंट प्लान की बात करूँ तो दो टाइप के पेमेंट प्लान है इसके अंदर, एक टिल कम्प्लीशन है और एक है पोस्ट एंड ओवर। दोनों सिनेरियो के अंदर आपका 60-40 का पेमेंट प्लान है। 60% आपने ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन देना है, 40% ऑन हैंड ओवर देना है। अगर ऑन हैंड ओवर वाला पेमेंट प्लान नहीं लेते तो आपको पोस्ट हैंड ओवर देना है 2 साल के। ठीक है, ठीक है। इनिशियली वही है, 24% आपने डाउन पेमेंट करनी है, 20% आपका डाउन पेमेंट का और 4% डीएलडी का। रिमेनिंग आपने ईच क्वार्टर या तो 5-5% या ईच 6 मंथ में 10-10% देना है। ठीक है, ठीक है। कंप्लीशन इसकी क्वार्टर 3 2026 के अंदर हो रही है। जेवीटी के प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली, तो जो जेवीसी वाले हैं वो थोड़े से और अर्लियर हैंडओवर भी है हमारे पास, लेकिन वहाँ पर अवेलेबिलिटी सिर्फ 2 और 3 बेडरूम की है। अगर हम पोस्ट हैंडओवर में जाते हैं तो वही 5% इन 3 क्वार्टर 3 मंथ्स 1 क्वार्टर या आपका 6% इन 10% इन 6 मंथ। ठीक है, तो वो आपके पास अगेन प्लान जो 2 साल का है वो आपका 40% कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, सही है। तो ये इसका पेमेंट प्लान है, मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है। और प्राइस पर स्क्वायर फुट हमने अभी इनकी रिपोर्ट देखी, आपने दिखाई, उन्होंने जो दिखाई है शेयर, मतलब ये दिखा रहे थे कि यार जो डीएलडी का डेटा इनके पास आ रहा है उसके हिसाब से एवरेज जो इनकी प्राइसेस है वो या तो कम है या एवरेज सेम प्राइस पार पे मार्केट प्राइस, और जो इसकी क्वालिटी है उसके हिसाब से ये फिर एज अपना आगे ले जाता है। तो ये इसका पेमेंट प्लान है। प्राइसेस मैंने आपको बताई है कि 8,80,000 से इनका छोटा वाला 1 बेडरूम स्टार्ट होता है और बड़ा वाला जो है वो 1.3 तक जाता है। ठीक है, जो कि एवरेज प्राइस है। आप जेवीसी जेवीटी के एरिया के अंदर अगर जाएंगे तो आपको यही प्राइस में 1 बेडरूम्स अवेलेबल मिलेंगे। लेकिन इसकी आपने शो अपार्टमेंट मैंने अभी आपको दिखाया, ये इनका एक्चुअल साइज में इनकी पूरी ड्राइंग्स के हिसाब से 690 स्क्वायर फिट पे। अब आप देखें कि कितना स्पेस यूटिलाइजेशन इनकी बड़ी ज़बरदस्त है, इन्होंने एक एक कोने को इस्तेमाल किया हुआ है और आपको इसीलिए अपार्टमेंट थोड़ा खुला खुला लग रहा है। तो नहीं यार ज़बरदस्त, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी, क्योंकि जो नया डेवलपर होता है ना वो चाहता है कि हमारी जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हों वो एक दफ़ा में अच्छे हैं और उसके बाद जब नाम बन जाएगा तो फिर अपने हिसाब से ज़ाहिर है वो जब एक एक ब्रांड पर पहुंच जाते हैं तो फिर सारी उनकी अपनी एक डिमांड क्रिएट हो जाती है। अच्छा यार, वो जो इन्होंने बताया था इन्वेस्टर डील का, अब वीडियो अगेन लंबी होती जा रही है लेकिन थोड़ा सा ज़रा हिंट दो यहाँ पर। देखिए, दुबई की मार्केट आपको पता है कि फ्लिपिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और लोग फ्लिपिंग को यहाँ पर बहुत मतलब एक हैवी क्वांटिटी के अंदर लोग फ्लिप करते हैं। जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो बल्क बाइंग करते हैं और उसके हिसाब से उसको फ्लिपिंग कर रहे हैं। यहाँ पर अभी हमने जो जैसे इन्होंने पूरा डिस्कस किया, हमने बताया कि किस क्या क्या उसके जो मैंने उनसे सवालात भी किए कि क्या इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो में क्या होगा, तो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली इन्वेस्टर डील ये दे रहे हैं। बहुत सारे डेवलपर में क्या होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, आपके 4% डीएलडी जाता ही जाता है, वो हर दफा जाता है, हर दफा ही जाता है जब जब। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इन्वेस्टर को ये एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आपको एक टाइम फ्रेम दे रहे हैं, आपके साथ बल्क की डील कर रहे हैं और उसको दो ऑप्शन दे रहे हैं, या तो आप बाहर उसको सर्कुलेट करके उसको बेच दें या आप इन्हीं के थ्रू उसको बेच दें ओपन ओपन मार्केट के अंदर। तो वो एक बहुत बड़ा मतलब वो मुझे समझाना पड़ेगा वली भाई पूरा कि वो किस तरीके से, अगर किसी को इस इन्वेस्टर डील के बारे में अलग से हम एक वीडियो बनाते हैं, एक वीडियो बना लें कि अगर किसी को डील क्या होती है और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर क्या इन्वेस्टर डील मिल रही थी, तो उस पर अलग से वीडियो, क्योंकि वो नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी बताना शुरू करूंगा तो आधा घंटा मुझे इसी में लग जाएगा। ये इस पे पॉडकास्ट करते हैं, पॉडकास्ट कर लेते हैं, इस पे पॉडकास्ट कर सकते हैं, पॉडकास्ट कर सकते हैं, इस पे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूं। हां, इस पे पॉडकास्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं इसको, नेक्स्ट एक दो वीक्स के अंदर जो है ना इस पे पॉडकास्ट करते हैं। ठीक हो गया, डेफिनेटली। चलिए यार, पॉडकास्ट आप वैसे भी चैनल पे देख सकते हैं, सलमान की एक पुरानी पॉडकास्ट भी है, हम दोबारा एक नई पॉडकास्ट करते हैं, मैंने माइक्स वगैरह नए लिए तो अब उसके ऊपर अच्छी आवाज आएगी तो उस पे करते हैं। चलिए यार, थैंक यू वेरी मच सलमान ओवरव्यू देने का, और अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना हो सलमान को या और भी इनकी टीम में से और भी जो मेंबर्स हैं जिनके साथ मैं वीडियोज बनाता हूँ उनका एक व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, मेरे रेफरेंस के थ्रू इनसे बात कर सकते हैं। और अगर किसी को भी कुछ भी करना है तो सलमान का हमेशा एक पॉइंट होता है कि यार जब भी आपके थ्रू कोई बंदा आता है तो वो डिले इतना कर देता है कि वो इवेंचुअली जब टाइम आता है तो उस वक्त तक वो यूनिट जा चुका होता है और फिर लोग कहते हैं कि यार आपने इतना बताया था अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये एक टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो डिसीजन लेना है। दुबई की मार्केट देखिए सर बहुत सेफ एंड सिक्योर है, तेज़ बहुत है,
लोगों का एक सवाल है कि यार ये बबल है, इन्फ्लेटेड है, ऐसे वैसे। मैं आप मैं कल ही बल्कि ये एक बंदे के साथ बैठ के पूरी एनालाइज कर रहा था कि मार्केट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। तो मैंने जो ग्राफ्स देखे, जो चार्ट देखा, सारा डीएलडी का एक्सट्रैक्टेड डेटा, तो बहुत ग्रेजुअली, आपने भी उसके ऊपर रिसर्च करी होगी, बहुत ग्रेजुअली ये ऊपर जा रहा है। ये ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेट एकदम से हो गया कि 700 पर स्क्वायर फीट से उठ के 1300 धर्म पे चला गया। बहुत ग्रेजुअली आहिस्ता 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 जैसे जैसे डिमांड बढ़ी है वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है। तो इस अच्छा डिमांड क्रिएशन आपको पता है कि पॉपुलेशन बेस पे है सारी। तो पॉपुलेशन आप देख सकते हैं कि आज हमें रोड पे कितना टाइम लगता है। आप काफी साल से माशाल्लाह दुबई में रोड पे टाइम लगता है। यहाँ इस डेवलपर के ऑफिस में 4 घंटे हो गए हमें इस वीडियो को शूट करने में, और पता नहीं क्या क्या हमें अभी भी रोड ब्लॉक्स आ रहे हैं शूटिंग करने में। अभी ये वीडियो शूट हो रही थी, 6 दफा रुकी है, क्योंकि जस्ट बिकॉज यहाँ पर लोग बीच में शो अपार्टमेंट बैठे, तो जाहिर सी बात है चलना फिरना लगा रहता है। तो ये रीजन है कि यहाँ पर जब भी आप डिसीजन ले रहे हो, डिसीजन बना रहे हो, तो थोड़ा सा उस पर टाइम ले लें, लेकिन उसको इतना ड्रैग ना करें कि वो अपॉर्चुनिटी भी हाथ से निकल जाए। वो मेरा एक कस्टमर कहता है, मैंने उससे पूछा कि सर आप कब लेंगे, बाय कब करेंगे, तो कहता है कि यार आई विल वेट फॉर द राइट टाइम। मैंने कहा राइट टाइम इज ऑलरेडी गॉन, ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम, और आने वाला टाइम तो उससे जाहिर सी बात है रेट्स प्रॉपर्टी के हमेशा ऊपर ही जा रहे हैं, नीचे तो आ ही नहीं रहे। तो चलो यार जबरदस्त, फिर बस थैंक यू वेरी मच, और दोबारा से डेफिनेटली नेक्स्ट प्रॉपर्टी में मिलते हैं। डेफिनेटली थैंक यू सो मच।